हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक रनिंग में था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इसमें टोटल 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर रहे थे। आज डिस्कस करेंगे अपन 3rd टाइप की प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ अल्कोहल। जैसे आपका ये एल्कोहल मॉलिक्यूल है RCH2OH, इस टाइप की रिएक्शन में इस पूरे एल्काइल ग्रुप और ओएच ग्रुप का पार्टिसिपेशन होगा, राइट। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, वो है आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर बेटा? यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मीन्स कुछ टर्म आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। जैसे आपके प्रीवियस रिएक्शन में भी इस टाइप की टर्म आई थी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहेलोजनेशन। तो इनका मीनिंग अगर आपको ध्यान है तो आप इजी गोइंग उस क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ लोगे। तो अपने पास दे रखा है डिहाइड्रेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें से, एल्कोहल में से। तो आपकी रिएक्शन होगी आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टोटली किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, राइट, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या होगा, एक तो टेम्परेचर लेंगे अपन 413 केल्विन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? 413 केल्विन टेम्परेचर। और दूसरा टेम्परेचर लेंगे अपन 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? तो अपन अगर कह सकते हैं कि एक लोअर टेम्परेचर पे होगी और एक हायर टेम्परेचर होगी। यहाँ पर अपन इसके 2 केस बना के इसको अपन डिस्कस करेंगे। और मेनली इसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की आपको क्या गिवन है, मैकेनिज्म भी गिवन है। क्लियर बेटा? तो उस मैकेनिज्म के पर भी अपन को फोकस करना है। क्लियर? तो यहाँ पर अपन टेम्परेचर कोडिंग, फर्स्ट केस 413 केल्विन टेम्परेचर, सेकेंड केस 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर वाले केस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो। देखिए, बात करते हैं अपन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, राइट। इसपे होगा एट 413 केल्विन टेम्परेचर, इसपे होगा एट 413 केल्विन टेम्परेचर। और कंडीशन है यहां पर एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट होगा। क्या होगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल। क्लियर? दिस रिएक्शन कौन सी? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, चाहे वो लोअर टेम्परेचर पे हो चाहे वो हायर टेम्परेचर पे हो, कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4। क्लियर? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4। अपना केस फर्स्ट बनता है 8413 केल्विन, जहां पर एल्कोहल किस पे प्रेजेंट होगा बेटा? एक्सेस अमाउंट में। देखिए रिएक्शन लिया अपन ने CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये इसको अपन ऐसे ही ले सकते हैं, कंसेंट्रेट H2SO4। आप कैसा भी वे यूज कर सकते हो, एच प्लस भी आपको एसिडिक मीडियम शो करेगा, और अगर आप कंप्लीटली अगर इसको शो करते हो कंसेंट्रेट H2SO4 तो भी आपका वो एसिडिक मीडियम शो करेगा। रिएक्शन क्या है आपकी? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ 2 मॉलिक्यूल अपन यूज में लिए, अपन लिखा है एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल। तो यहां से किसी भी मॉलिक्यूल का आप ले लो OH, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका H, राइट। तो यहां पर आपने पास में देखो क्या बनेगा, CH3, CH2, CH4 आपको दिख रहा होगा। आप दैट इज द ईथर मॉलिक्यूल। क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा? ये ईथर मॉलिक्यूल।
और यहां पर इसको कहेंगे अपन डाई इथाइल ईथर प्लस H2, दैट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन कंडीशन 413 केल्विन टेम्परेचर। कंडीशन क्या होगी? 413 केल्विन टेम्परेचर, देन फॉर्मेशन ईथर। ये बात क्लियर है सबकी? आगे चलें। 413 केल्विन टेम्परेचर, एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4, देन फॉर्मेशन ईथर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब बात करते हैं अपन सेकंड केस की। सेकंड केस में यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। सेकंड केस में क्या होगा बेटा? टेम्परेचर चेंज होगा। देखिए केस सेकंड, एट 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर, एटमीन्स क्या कह सकते हैं? हाई टेम्परेचर जो रेंज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं हाई टेम्परेचर। कंडीशन आपकी वही होगी, कंडीशन आपकी वही होगी इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4। देखिए बेटा यहां से ये अपने पास एल्कोहल है H, 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 C, H, H और आपका ये OH। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4 टेम्परेचर क्या होगा? 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा? देखो यहां से OH और यहां से H एलिमिनेट हो जाएगा और फॉर्मेशन होगी यहां पर एल्कीन। क्या फॉर्मेशन होगी बेटा? एल्कीन। और एल्कीन है तो अपने पास में कौन सी एल्कीन है? ये अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट इसको कहेंगे अपन एथीन। क्लियर? तो यहां पर जो केस सेकंड है वो आपका किस टेम्परेचर पर कंप्लीट हो रहा है? 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर। कंडीशन वही है इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट H2SO4, बट आपका सिंगल मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल दैट मीन्स डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एल्कीन। क्या फॉर्मेशन हो रहा है आपका? एल्कीन। अब इसी केस पे यहां पर अपन क्या कहेंगे? इस टेम्परेचर पर अपन बात करेंगे किसकी? मैकेनिज्म। इसकी बात करेंगे बेटा मैकेनिज्म की, राइट? तो इसकी मैकेनिज्म आपकी थ्री स्टेप में कंप्लीट होती है। इसकी मैकेनिज्म आपकी थ्री स्टेप में कंप्लीट होती है जो कई बार आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी मैकेनिज्म आपकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इस मैकेनिज्म को अपन टोटल कितने थ्री स्टेप में कंप्लीट करें? कितने स्टेप में? थ्री स्टेप में इसको अपन कंप्लीट करेंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।